ब्रेन और सुपर कंप्यूटर का कंपैरिजन कैसे रहेगा? पर सुपर कंप्यूटर इतने भी पावरफुल नहीं कि उन्हें ब्रेन से कंपेयर किया जाए। सनवेथायलाइट जो कि एक सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, इसमें लगी है 10.6 मिलियन कोर्स जो कि इसे प्रोवाइड करती है 93 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड। अब पेटाफ्लॉप्स को समझ लीजिए, वन पेटाफ्लॉप मतलब होता है कि 1000 मिलियन मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इसका मतलब सनवेथायलाइट जिसमें लगी है 10.6 मिलियन कोर्स वो प्रोसेस कर सकता है 93,000 मिलियन मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब इतनी ऑपरेशन प्रोसेस हो रहा है तो थोड़ी एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट है ना, तो 15 मेगावाट एनर्जी इसमें लगती है। अब इतनी एनर्जी एक पूरे शहर को चलाने के लिए काफ़ी है। अब आ जाते हैं अपने माइंड की तरफ। माइंड से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। 10 quadrillion ऑपरेशंस पर सेकेंड हमारा माइंड प्रोसेस करता है और हमारी बॉडी की 60 trillion मसल्स को 6 trillion इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की स्पीड से हमारा माइंड देता है। और ये भी कौन, सिर्फ एक सबकॉन्शियस माइंड हमारा, जो कि हमारे माइंड का एक हाफ पार्ट है। बाकी का माइंड बहुत सारे ऑपरेशंस करता है और वो ऑपरेशंस एक रैम की तरफ प्रोसेस होते हैं हमारे माइंड में। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ 5% इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे माइंड के बारे में। अब इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे। तो सोचिए जो बाकी 95% इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें क्या होगा।